हेलो एवरीवन, जी आया नू इन सैंडीज किचन। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए दूध, जिसे आप 2 से 3 बार बच्चे को पिलाएंगे तो बच्चे का कोल्ड एंड कफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दूध बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 कप दूध लिया है। फुल क्रीम टोन गाय का जो आपके बच्चे पीते हों आप वो दूध यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम 1/2 कप पानी मिलाएंगे। सेम कप से मेजरमेंट लिया है मैंने। और अब इसमें 1 मुनक्का, 1 छोटी इलायची तोड़कर, और यहाँ पे मैंने जायफल को घिस लिया है, थोड़ा सा ही लिया है, 1/4 टीस्पून, और 1 बड़ी इलायची को कूट लिया है। ये सब हम इसमें डाल देंगे। और 1 छोटा चम्मच 1/4 टीस्पून हल्दी, बहुत थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और हम थोड़ा सा दूध को पकाएंगे। और अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन मिला रही हूँ, बहुत थोड़ी सी मिलाएंगे वरना दूध जो है वो कड़वा हो जाएगा और बच्चा पिएगा नहीं। तो बहुत थोड़ी सी अजवाइन मिलाएंगे और दूध को बॉईल कर लेंगे। दूध बॉईल हो गया है, अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे और दूध को 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें दूध को गाढ़ा करना है ताकि इसमें जो भी हमने चीज़ें मिलाई हैं इन सब का असर जो है वो अच्छे से दूध में आ जाए। और अब दूध को पका लेंगे। ये दूध हमारा काफ़ी पक गया है, और पानी इसलिए मिलाते हैं क्योंकि दूध हमें पकाना होता है, तो दूध ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो बच्चे के लिए पचाने में मुश्किल होगी, इसलिए हम पानी मिलाते हैं ताकि दूध जो है वो थोड़ा हल्का रहे। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, छान लेंगे, और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, कप से पीता है, तो आप कप में दे सकते हैं। अगर 1 साल 2 साल का बच्चा है तो आप इस दूध को रात को सोते समय बॉटल में डाल के बच्चे को पिला सकते हैं। 2 से 3 बार दीजिए, बच्चे का कोल्ड एंड कफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें सारी आपकी अच्छी चीज़ें हैं, और ये गर्म चीज़ें होती हैं, इसलिए ये सब चीज़ें बच्चे को कोल्ड एंड कफ में रिलीफ देती है। सो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।